अगर आप यंग एज के हैं, यंग एज कहने का मतलब 20 से 25 साल के अंदर में, अगर आप जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको कितनी कॉर्पस की आवश्यकता होगी? क्या आप आसानी से रिटायरमेंट ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करके, जो आज की सैलरी है वही लाइफ स्टाइल आगे जीने के लिए? ईयरली रिटायरमेंट कहने का मतलब कि 20 से 25 साल के बाद, यूँ कहिए कि आज मान लीजिए आपका एज 20 साल है, 40 साल या 45 साल के बाद, क्योंकि जिंदगी को वो तो एंजॉय करना है, आप कंटिन्यू नौकरी तो करते नहीं रहेंगे, करते रहना कोई नहीं चाहता है नौकरी, तो उसके लिए क्या करना होगा? आज के वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ईयरली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो आज का प्लानिंग हम लोग देखेंगे। मान लीजिए आज के डेट में एक अच्छी ग्रुप सी की नौकरी लगती है किसी को 20 साल की उम्र में, तो मान के चलिए उसके मंथली सैलरी लगभग 50,000 के आसपास रहती है। घर खर्च उसके कुछ ज्यादा लाइबिलिटी तो रहता नहीं है, अकेले हैं, सिंगल है, शादी नहीं हुई रहती, 20,000 में बहुत आराम से घर चल जाता है। अगर मान लीजिए किसी को घर में ज्यादा देना लेना नहीं है, तो अदर लाइबिलिटी कहने का मतलब क्रेडिट कार्ड, होम लोन वगैरह उसके पास कुछ नहीं, एजुकेशन लोन कुछ नहीं, जीरो है। वह प्लान करता है कि हम अगले जो है 40 से 45 साल जब मेरा पूरा हो जाए तो हम रिटायरमेंट लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना होगा, किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना होगा, ताकि आगे आने वाले समय में उनको इतना अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाए कि उसे काम करने की जरूरत ही न रहे। यह काम करने की जरूरत न रहे इसका मतलब यह नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर के काम करें। नौकरी जो होता है एक तरह का प्रेशर बना के रखता है काम करने के लिए। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो वहां पर आपको कोई दबाव डालने वाला नहीं रहेगा, आप अपनी इच्छा के अनुसार से जो काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्री होना। अब काम करते रहिए, काम नहीं कीजिएगा तो शरीर कैसे चलेगा, शरीर थक जाएगा, फिर जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा, फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, इसलिए वैसा नहीं करना है। काम तो करते ही रहना है लेकिन अपने मन पसंद कार्य करना है। दो तरीके हैं इसके इन्वेस्ट करने के लिए ताकि आप इयरली एज में रिटायर हो सके। सबसे पहला है स्टॉक्स मार्केट, दूसरा है स्टॉक्स मार्केट के जरिए, डायरेक्ट नहीं जाना था तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर लिए। शुरुआत में जो लोग मतलब वैसे फैमिली से आते हैं जहां पर स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने से लोगों को डराया जाता है कि नहीं पैसा आपका डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एफडी में रिटर्न, एफडी करके रखो, जमीन खरीद लो, क्योंकि लोगों के पास शुरुआत में उतना पैसा होता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, लोन ले लेते हैं, होम लोन वगैरह लेते हैं, जमीन खरीदने के लिए बहुत तरह का प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। लोन एक सॉल्यूशन नहीं है आपको लेना, यहाँ पर है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको जो है अपने से कॉर्पस तैयार करना। आप जो है घर खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपके इन्वेस्टमेंट करने लायक पैसे बचते नहीं। जमीन खरीद लेते हैं पर्सनल लोन लेकर के, वहां पर भी बचते नहीं है। मान लीजिए शुरुआत के 10 से 15 साल आपका निकल गया तो फिर शादी ब्याह हो जाएगा, फिर और ज्यादा लाइबिलिटी हो जाएगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट कब तक कर पाओगे? आपका 10 से 15 साल का जो इन्वेस्टमेंट होता है यही अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करके देता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं, कोशिश कीजिए, शुरुआत में जानकारी लीजिए, यूट्यूब से जानकारी लीजिए, किताबें पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, स्टॉक्स मार्केट के बारे में समझिए। तो अगर आपको जानकारी है, स्टॉक्स के बारे में समझते हैं, तो वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो है क्या क्या देखना होगा, 4-5 पॉइंट आप देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा कंपनी सेलेक्ट हो जाएगा इन 4-5 पॉइंट में। सबसे पहला है वैसे कंपनी को सिलेक्ट कीजिए जिसका प्रमोटर होल्डिंग हाई है, कोशिश कीजिए 50% से ऊपर जिसका प्रमोटर होल्डिंग है उसमें आप उस तरह के शेयर पिकअप कीजिए। दूसरा देखिए, गुड फंडामेंटल होना चाहिए, फंडामेंटल बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंडामेंटल है, 10-15 पैरामीटर अगर आप पकड़ लेते हैं अच्छी तरीके से स्टॉक्स में, जैसे कि कर्ज कम होना, आरओसी आरओई का हाई होना, उसके बाद देखेंगे डिविडेंड यील्ड का अच्छा होना, उसके बाद बुक वैल्यू उसका देख लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू देख लीजिए, कुछ कुछ बहुत सारे पैरामीटर जो है वो आप ध्यान में रख के काम करते हैं तो आपको एक अच्छा स्टॉक्स सेलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आप पढ़िए ना, पढ़ने के बाद आपको आसानी से सभी जानकारी हासिल हो जाएगी, फिर आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोशिश कीजिए जब शुरुआत में आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटे और पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। आपको जो है लार्ज कैप लेना है, लार्ज कैप लीजिएगा ना तो आपका क्या होगा, मार्केट के उतार चढ़ाव में वह जो है आपको रक्षा करेगा,
और वही कंपनी आपको मार्केट में टिके रहने में मदद करेगी। जब आप एक बार मार्केट को समझ जाइए ना, तो फिर लार्ज कैप से निकल करके आप स्मॉल और मिड कैप पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन शुरुआत के 2-3-4-5 साल जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर रिटर्न आपको 15-20% मिल सकता है। ज्यादा रिटर्न की आप उम्मीद मत रखिएगा, वहां पर 15-20% रिटर्न बनाते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्टॉक्स मार्केट में। शुरुआत में आप सीखने में लगाइए, भागा दौड़ी मत कीजिए कि वो कंपनी खरीद लिया, एक कंपनी खरीद लो, वो कंपनी खरीद लो, 15% भाग रहा है, 20% भाग रहा है, कल हो गया, एक महीना डबल हो गया, 2 महीने, वैसा नहीं होता, पैसा नहीं बन पाएगा इस तरीके से। आप कोशिश कीजिए लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए, यह तो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। आप लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं अचानक से उसमें तेजी से ग्रोथ नहीं आता है, उसमें समय लगता है। कोई भी आप जब बिजनेस खड़ा करते हैं, घर में जो कोई बिजनेस खड़ा होता है तो उसमें समय लगता है धीरे धीरे ग्रो होने में। तो उसीलिए आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करें उसको टाइम दीजिएगा, तभी तो आपको रिटर्न बना के देगा। लोगों की गलत फहमी क्या रहती है, आपके माता पिता शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि जब उनके समय में 2002-2008 का जब क्रेसिस आया था तो लोग यही समझते थे, उस समय बहुत सारे लोगों का मकान घर गिरवी सब बिक चुका था, जमीन जायदाद सब बिक चुका था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेवरेज लिए हुए थे और अचानक से मार्केट क्रैश हुआ। वो आपको नहीं करना है। इंट्राडे एफएनओ ट्रेडिंग बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, आपके पास उतना समय नहीं, आप जॉब करते हुए ये सब काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप पूरी तरह से स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट अगर आना ही चाहते हैं तो कोर्स करके आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर आप नौकरी करते हुए चाहते हैं कि इंट्राडे कर ले, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर ले, वो संभव नहीं है। आप ये गलती मत कीजिए, छोटा सा कॉर्पस है, एक कॉर्पस में आपका जो है ना प्रमोटर लोग और खास करके ऑपरेटर लोग आपको जीने नहीं देंगे, आपका जो कॉर्पस है सब ले लेंगे। कोशिश कीजिए अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने का, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको लंबे समय में। तो इंट्राडे और एफएनओ को अवॉइड कीजिए। और अगर आपको स्टॉक्स में शुरुआत ही करना है, डीमैट अकाउंट खोलिए, उसके बाद अच्छे कंपनी में आपको आईपीओ भी अप्लाई कीजिए। रिटेल कोटा में 4-5 फैमिली मेंबर में आप खोल सकते हैं, वहां से 4-5 के नाम से हर एक पैन से एक एक लॉट अप्लाई कीजिए, रिटेल कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर लॉटरी की बात हो जाती है, ज्यादा पैसा है तो HNI कैटेगरी में लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप नए हैं तो आईपीओ से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर बेहतर अच्छी कंपनी के आईपीओ को थोड़ा स्टडी कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, ये तो हो गया स्टॉक्स की बात। अब आती है जिनको डायरेक्ट स्टॉक नहीं करना है उनके लिए क्या है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं बोल रहा था स्टॉक्स में, स्टॉक में आप स्मॉल कैप कंपनी शुरुआत मत कीजिए, यहां पर मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में आप स्मॉल कैप कंपनी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन 20-25 सालों के लिए। तो आप स्मॉल कैप लीजिए, मिड कैप लीजिए, फ्लैक्सी कैप लीजिए, इंडेक्स फंड लीजिए। हाँ, इंडेक्स फंड कौन से लेना है, लार्ज कैप का इंडेक्स नहीं लेना है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप का इंडेक्स लेना है, जो कि 250 से ऊपर कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, वैसे इंडेक्स फंड को आपको सिलेक्ट करना है। स्मॉल कैप का कोई फंड नहीं है, 2-3 फंड, मिड कैप का, फ्लैक्सी कैप का, इस तरह से। हाँ, आपको अवॉइड करना है लार्ज कैप, सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड, इस तरह के कंपनी, इस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए शुरुआती दिनों में। समझ रहे सेक्टर को, आपको एग्जिट और एंट्री पता है तभी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कीजिए, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वरना मत कीजिए, आप फंस जाएगा वैसे फंड में। आप जब रिटर्न जो देख रहे होते हो, पास्ट का रिटर्न होता है, मिल चुका होता है, आप उसमें फंस जाएगा जाकर, इसलिए सेक्टर फंड बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। लार्ज कैप में मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि जब आप स्मॉल मिड कैप फ्लैक्सी कैप इंडेक्स फंड लेते ही हैं, वहां पर जो है ऑलरेडी लार्ज कैप का एक्सपोजर रहता है आपके पास, कोई मतलब नहीं रहता है अलग से आप लार्ज कैप कंपनी लेने की, वहां पर तो मिल ही रहा है ना, तो क्या दिक्कत है लेने की, अलग से कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, 2-3 स्मॉल कैप ले लीजिए, लंबा समय है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको पसंद है मार्केट कैप के अनुसार से वहां पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि कुछ जो है इंश्योरेंस ले लीजिए। इंश्योरेंस क्या लेना है, आपको 2 तरह का इंश्योरेंस लेना है, एक अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस, बस 2 इंश्योरेंस, इसके अलावा तीसरा इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए
तो आप कोशिश कीजिए कि कंप्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लीजिए। कंप्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में सभी तरह के कवरेज कवर होते हैं, इस तरह के प्लान लीजिएगा। और बाद में आप जबकि शादी हो जाएगी तो उसे फैमिली फ्लोटर में शिफ्ट कर दीजिए, कंप्रहेंसिव फैमिली फ्लोटर प्लान में शिफ्ट कर दीजिएगा। कोशिश कीजिए आप जो है इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो वहाँ 10 लाख का इंश्योरेंस प्लान कम से कम लीजिए। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लोग मेरे ही नहीं पड़ता, मेरी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है ना कि अगर जब आपकी बीमारी होती है तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है कि जो कि आपको बड़े हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाना पड़ सकता है। अगर आपकी कंपनी का टाई अप नहीं है और वहाँ पर किसी कारणवश कंपनी हो सकता है आपको पैसा देगी, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी आपको पैसा दे देगी बड़े हॉस्पिटल में भी, लेकिन शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो अगर स्लो हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है, और बहुत सारे केसेज में ऐसा हुआ है। इसलिए कोशिश कीजिए आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। 10 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं यंग एज में तो आपका प्रीमियम 8 से 10 लाख के 8 से 10 हज़ार के बीच में आता है पर ईयर, ज़्यादा चीज़ नहीं। आप यहाँ पर से टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं ATD के अंतर्गत, तो ठीक है ना, आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस आप जहाँ चाहे इलाज करवा सकते हैं, नो डाउट। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अगर यंग एज में लेते हैं इसका प्रीमियम फिक्स होता है। अगर आप शुरुआत में लेते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले तो आपको 15 से 20 हज़ार के आसपास बैठ सकता है, 15 से 20 हज़ार मिल। ये प्रीमियम जो होता है इंटायर लाइफ आपके लिए फिक्स रहेगा, कहीं चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, अप टू 60 ईयर का तक का आपका फिक्स रहेगा। हाँ, जितना ज़्यादा लीजिएगा थोड़ा बहुत इसमें प्रीमियम में डिफरेंस आता है, मान लीजिए 75 ईयर्स के लेते हैं तो वहाँ पर आपको प्रीमियम में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई, इंश्योरेंस ले लीजिए शुरुआत करने से पहले, आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद बात आती है कि अब जो है हम शुरू करने जा रहे हैं तो कैसे शुरू करेंगे। तो स्टॉक्स की बात तो हो गई, म्यूचुअल फंड की बात हम लोग कर लिए। अब म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा फंड हमको लेना है, फंड सिलेक्शन तो चाहिए ना। तो स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप जो है पहला कोशिश कीजिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद दूसरा अगर लेना है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। मिड कैप की बात की जाए तो कोटक अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड ले सकते हैं। फ्लैक्सी कैप में 2 फंड आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्वांट का और प्राग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, PPF है, सुकन्या समृद्धि योजना है, LIC की पॉलिसी है और बहुत सारे एंडोमेंट प्लान हैं। लेकिन कोशिश कीजिए टैक्स सेवर प्लान लेने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, आपको 12-15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल जाएगा और लॉकिंग पीरियड सबसे धासु तो यही बात होती है, लॉकिंग पीरियड मात्र 3 साल के लिए। अपन PPF करवाते हैं 15 साल लॉकिंग, सुकन्या समृद्धि 15 से 20 साल लॉकिंग, LIC 10 से 15 साल का लॉकिंग, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है 3 साल का लॉकिंग। 3 साल के बाद आप चाहे तो विड्रॉल करिए या तो पैसा उसी में पड़े रहने दीजिए। और जितने भी अभी तक प्लान डिस्कस किए हैं ना टैक्स सेवर का, उससे ज़्यादा रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। तो आपको रिटर्न बनाना है, सेफ्टी के लिए आपके पास इंश्योरेंस है ही ना, फिर क्या दिक्कत है, क्यों लेना दूसरे तरह का एंडोमेंट प्लान, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आगे चलिए, ये तो हो गई बात, अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन का कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग कितने कितने तक चाहिए। अभी जो खर्च चल रहा है, मान लीजिए 20 हज़ार में खर्च हो रहा है, आगे चल के आपकी फैमिली बढ़ेगी, मान लीजिए कि आपको जो है 50 हज़ार का आज के डेट में खर्च होने वाला है। थोड़ी देर के लिए मान कर चलते हैं कि आपकी फैमिली भी है और वहाँ पर मंथ आपका 50 हज़ार का खर्च है आज के डेट में देखा जाए तो। 25 सालों के लिए, अगले 25 साल के बाद, जैसे आज 20 साल एज है, 45 साल के बाद अगर 6% का इन्फ्लेशन रेट पकड़ते हैं तो आपको 2,15,000 पर मंथ सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए चाहिए होगा। 2,15,000 जो कि आज के डेट में 50 हज़ार है, 25 सालों के बाद 6% इन्फ्लेशन रेट पकड़ करके। अब 2,15,000 उस समय लगेगा, 2000 जब 45 में आप रिटायर कीजिए, 45 के एज में रिटायर कीजिएगा, उस समय की बात है।
तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे भाई कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब आप 25 साल के बाद जब आप रिटायर करेंगे तो वहाँ पर आपको कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी, उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तब 215,000 रुपया जब आपको बनाना होगा, 215,000 जब आपको चाहिए पर मंथ, तो सबसे पहले आप 215,000 कितने लमसम अमाउंट से उसे प्राप्त कर सकते हैं उसे देखिए। तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको 4 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास आज के डेट में है तो इससे आप 60,000 पर मंथ पेंशन ले सकते हैं, 60,000 पर मंथ। तो आपको चाहिए 215,000, तो 4 करोड़ में आप 240,000 पर मंथ ले सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, ठीक है। तो उसके लिए आपको 4 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप जो है 250,000 पर मंथ आप विड्रॉल कीजिए 15% के लिए आगे आने वाले 20 सालों के लिए। यह जो 4 करोड़ की कॉर्पस आप जो हम बता रहे हैं उसमें टोटल विड्रॉल होता है 6 करोड़, और फिर भी आपके पोर्टफोलियो में अगर सेम फंड में आप उसी तरह से इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहाँ पर आपको 40 करोड़ फिर भी बचा रहता है। आप बोलेंगे कि भाई महंगाई बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, आप इसको चेंज कीजिए। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला बताया जा रहा है आपको, नॉर्मल बेसिस पे आप यहाँ पर बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका फंड जो है बचा रहेगा यहाँ पर अगर सेम फंड में आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो। जैसे जैसे आपका खर्च बढ़ेगा आप बढ़ाते जाइए, हाँ आप बैठे तो नहीं रहिएगा, कुछ ना कुछ जरूर काम कीजिएगा। अब रही बात कि 4 करोड़ इकट्ठा करने के लिए हमको कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट 4 करोड़ तो मेरे पास है नहीं आज के डेट में, जब इकट्ठा करेंगे 25 साल के बाद तभी तो रिटायर होंगे ना। तो जब 4 करोड़ की राशि इकट्ठा करेंगे 25 सालों के बाद, 15% का अगर कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है तो आपको लगभग 12,180 रुपया, लगभग 12,200 रुपया आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा इस 4 करोड़ को टारगेट को अचीव करने के लिए। तो 12,200 रुपया आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपकी सैलरी आज के डेट 50,000 तो 12,200 आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, अगले साल आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा 10% के अनुसार से बढ़ेगा, फिर उसके साल आगे बढ़ेगा, आप इसे बढ़ाइए, आपका कॉर्पस 4 करोड़ से ज़्यादा तैयार होगा, 8 करोड़ तक तैयार हो जाएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके, इस बात को ध्यान में रखिए। अब आगे बात आती है कि ये तो हो गया भाई कॉर्पस हमको तैयार हो गया, अब इस कॉर्पस को हम लोग किस तरह से SIP के जरिए इन्वेस्ट करेंगे। SIP के जरिए तो मैं भी जैसे बता दिया कि 15% के अनुसार से आपको रिटर्न 12,200 रुपया अगर पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 25 सालों के लिए 15% का रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, जो जो हम लोग सेलेक्ट करें वहाँ 4 करोड़ का फंड आसानी से तैयार हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप जो है इन्वेस्टमेंट अपना चालू कीजिए, और इन्वेस्टमेंट चालू करने के साथ साथ आप रिटायरमेंट का जो प्लानिंग बना रहे हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं इन 4 करोड़ के जरिए। आप यंग हैं, यंग एज में आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहिए, बीच बीच में निकालिए मत। जैसे निकालिएगा आपका फंड जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा और वहाँ पर आपका अच्छा खासा कॉर्पस बनने से रुक चुक जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिए आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहिए। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए।